फासले हैं तो मुश्किलें हैं और मुश्किलें हैं तो हौसले हैं, और यही हौसले आपकी हमारी ताकत है, पहचान है। पिछले एक साल से ज्यादा से कोविड-19 से आप हम पूरी दुनिया जूझ रही है, लेकिन हम सब में हौसला है इस बात का कि इसकी वैक्सीन जरूर आएगी और हम सब इस महामारी पर काबू जरूर पा लेंगे। इसी बात की खुशी आज हम सबको है, क्योंकि कोरोना वायरस के असली टीकाकरण के लिए आज तीसरा पूर्वाभ्यास सफलतापूर्वक पूर्ण हो गया, यानी कि एक कदम और हम उस दिशा में बढ़ गए जब कोविड-19 की वैक्सीन हम सबके लिए उपलब्ध होगी। और दर्शकों, यही आज का हमारा चर्चा का विषय भी है, कोरोना वायरस असली टीकाकरण फाइनल ड्राई रन सफलतापूर्वक पूर्ण। अब तो एक साल से ज्यादा का वक्त हो गया है और कोविड-19, उसके संक्रमण के मामलों और कोविड-19 से ठीक हुए मामलों, इन दोनों में ही भारत ने 1 करोड़ का आंकड़ा पूरा कर लिया है, यानी कि पूर्ण हो चुका है। यूं तो भारत कोरोना वायरस संक्रमित लोगों के आंकड़ों के मामले में दूसरा सबसे बड़ा देश है अमेरिका के बाद, लेकिन भारत में जिस तरह से दो वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन उनकी मंजूरी दी गई और भारत इन दोनों ही वैक्सीन का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक भी बनने वाला है, ऐसे में खुशी हम सबके लिए है। इसी खुशी में एक और चीज आज ऐड हो गई। प्रदेश भर में आज कोविड-19 उससे असली टीकाकरण को लेकर तीसरी बार पूर्वाभ्यास यानी कि ड्राई रन किया गया, जो कि पूर्ण हो चुका है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ेगा, मगर उससे पहले आप सभी को अपनी एक खास रिपोर्ट दिखा देते हैं। उत्तर प्रदेश में आज कोरोना टीकाकरण का तीसरी बार पूर्वाभ्यास चल रहा है। सभी जनपदों में 1,500 टीकाकरण केंद्र और 3,000 बूथ बनाए गए हैं। सीएम योगी खुद तीसरे और अंतिम पूर्वाभ्यास की निगरानी कर रहे हैं। वो लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ और सिद्धार्थनगर जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। बता दें कि तीन बार ड्राई रन करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है। इससे पहले 2 जनवरी को लखनऊ, फिर 5 जनवरी को पूरे प्रदेश भर में कोरोना वायरस वैक्सीन का ड्राई रन किया जा चुका है, जिसमें कोविड-19 संबंधी सभी प्रोटोकॉल्स का पालन किया गया। फिलहाल पूर्वाभ्यास के लिए लाभार्थियों को SMS भेजा गया है। SMS में उन्हें कहां और किस टीकाकरण केंद्र पर कितने बजे पहुंचना है, इसकी जानकारी दी जाएगी। तीसरे व अंतिम पूर्वाभ्यास में करीब 20,000 स्वास्थ्य कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। ड्राई रन के तहत वैक्सीन की सुरक्षित डिलीवरी व वापसी भी सुनिश्चित की जा रही है। इसके लिए पुलिस की निगरानी में हेल्थ टीम कोल्ड बॉक्स लेकर वाहनों से रवाना हुई। तो टीकाकरण का फाइनल रिहर्सल आज पूर्ण कर लिया गया। इसे लेके प्रदेश के सभी जो मेडिकल वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और साथ ही आम जनता है, उनमें एक खुशी की लहर है कि कदम दर कदम बढ़ते हुए हम उस मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं जब हम सब इस खतरनाक महामारी कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 से जरूर निपट लेंगे। कोरोना वायरस जब से इसकी शुरुआत हुई थी, हम और आपने जब से लॉकडाउन झेला, तभी से इस बात को लेकर के चर्चा तेज थी कि वैक्सीन का निर्माण जल्द से जल्द किया जाए। और जब वैक्सीन के आने की खुशखबरी हुई तो इस वैक्सीन का अलग अलग चरणों में पहले ड्राई रन किया जाएगा, उसके बाद असली टीकाकरण शुरू होगा। ड्राई रन यानी कि बड़े पैमाने पर जब कोई चीज शुरू की जाती है तो पहले उसकी प्रैक्टिस कर ली जाती है कि किस तरह से ये वैक्सीन जहां पर इनका मैन्युफैक्चर होता है, जिन कंपनियों में, कहां से ये एक रास्ता एक रूट तय करते हुए किस वाहन से अस्पतालों तक पहुंचेंगी, उन अस्पतालों में जहां इन्हें रखा जाएगा वहां से ये किस जरिए किस बस ट्रक या जिस भी चीज़ में इन्हें रखा जाएगा उनसे होते हुए छोटे अस्पतालों और उन जगहों पर पहुंचेंगी जहां पर टीकाकरण किया जाएगा। कोविड वैक्सीन को लेकर ये बात कही जा रही है कि एक सर्टेन टेम्परेचर पर रखना इस वैक्सीन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए इतने सारे रिहर्सल्स भी ज़रूरी हैं कि वैक्सीन अगर उसे सही टेम्परेचर नहीं मिल पाया तो वैक्सीन का असर ख़त्म भी हो सकता है या वैक्सीन के कुछ और भी नकारात्मक असर देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में आज हम चर्चा इसी बात को लेकर के करेंगे कि उत्तर प्रदेश में ये जो ड्राई रन कम्प्लीट हुआ है, इसका तीसरा चरण हमने और आपने देखा कि सफलतापूर्वक हमारे जो मेडिकल वर्कर्स थे उन्होंने पूरा किया। तो अब इस बात की खुशी जनता में कि जल्द से जल्द ये वैक्सीन आम जनता को उपलब्ध हो,
लेकिन आपको बता दें कि सबसे पहले ये वैक्सीन जो है वो मेडिकल वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, उनको दी जाएगी। उसके बाद जो तमाम बीमार लोग हैं उनके लिए वैक्सीन होगी, यानी कि आम जनता तक पहुंचने में इस वैक्सीन को कम से कम 6 महीने का वक्त शायद और लग जाए, लेकिन फिर भी जिन लोगों के लिए ज़रूरी है उन लोगों को ये वैक्सीन तुरंत उपलब्ध भी कराई जाएगी, उनको लगाई जाएगी। आज उत्तर प्रदेश में तीसरी बार इस वैक्सीन का ड्राई रन हुआ है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात की पूरी तरीके से समीक्षा की, 5 बड़े जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की, इस बात को सुनिश्चित किया कि कोरोना वैक्सीन का जो ड्राई रन है उसे लेकर के और सारी चीज़ें जो हैं वो किस तरह से पूर्ण की जा रही हैं, क्या सारे प्रोटोकॉल्स जो हैं उनको मेंटेन किया जा रहा है, क्योंकि कोविड वैक्सीन इसके लिए जिस ऐप पर आपको पहले रजिस्टर कराना होगा, उसके अलावा जब वैक्सीन किसी इंसान को या किसी व्यक्ति को लगा दी जाएगी उसके बाद उससे लगातार फीडबैक लेते रहना, उसको SMS भेजना, उसके साथ संपर्क में रहना कि किसी प्रकार के दुष्प्रभाव इस वैक्सीन के तो नहीं मिल रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। टीकाकरण का फाइनल रिहर्सल, यूँ तो टीकाकरण का जब पहला रिहर्सल हुआ था उसके बाद जब दूसरा रिहर्सल हुआ था और आज करीब 1500 क्षेत्रों में फाइनल रिहर्सल हुआ है, इन सब को देखते हुए एक खुशी है कि COVID-19 की वैक्सीन हम सब के बीच जल्द से जल्द उपलब्ध होने वाली है। आइए दर्शकों अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं और इस चर्चा में हमारे साथ जो जुड़ गए हैं उनसे आपकी भेंट कराते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिकेत जुड़े हुए हैं, इसके अलावा जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो भी हमारे साथ मेहमान के तौर पर जुड़ेंगे। उनसे भी प्रश्न पूछेंगे कि किस तरह से कोविड का ये ड्राई रन हुआ है, किस तरह से कोरोना वैक्सीन इसका ड्राई रन तमाम अलग अलग जगहों पर किया गया है, इनमें किन किन प्रोटोकॉल्स को रखा गया है, और कुछ सवाल जो लोगों के जहन में बहुत ज्यादा हैं कि क्या ये टीकाकरण अगर हो जाए तो उस इंसान को दोबारा COVID-19 या कोरोना वायरस नहीं होगा, या फिर तमाम तरीके के ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो कोरोना वैक्सीन को लेकर के लोगों के मन में हैं, वो भी अपने विशेषज्ञ चिकित्सकों से हम जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमारे संवाददाता अनिकेत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए उनसे संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, पूछते हैं कि आज जो उत्तर प्रदेश में ड्राई रन किया गया है फाइनल चरण का, वो किस तरह से रहा। अनिकेत आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी ऐश्वर्या मैं सुन पा रहा हूँ। अनिकेत जी ऐश्वर्या मैं सुन पा रहा हूँ आपको। अनिकेत आप मुझे सुन पा रहे हैं? ऐश्वर्या मैं सुन पा रहा हूँ आपको। तो टीकाकरण को लेकर के लगातार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं वो भी इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि टीकाकरण जो है वो सभी जगहों पर पूर्ण रूप से ठीक तरीके से किया जाए। तो दर्शकों इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन हमारी ये चर्चा लगातार ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी। खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। GGS एजुकेशन ग्रुप लॉन्चेस 20% डिस्काउंट ऑन Academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D-Pharma, B-Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971-496-497 or visit the campus कानपुर लखनऊ हाईवे नियर उन्नाव। GGS एजुकेशन ग्रुप। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी।
दर्शकों, ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। टीकाकरण को लेकर के आज फाइनल रिहर्सल किया गया और इसी पर हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले चलेंगे अपने पहले मेहमान के साथ, डॉक्टर टीआर यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर यादव, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? सर, इस वैक्सीन को लेकर जब पहले चरण का ट्रायल हुआ था तब भी आपके साथ हमने बातचीत की थी, समझा था कि ये ड्राई रन किस तरह से किया गया है। आज तीसरा और फाइनल ड्राई रन जो है उसको कंप्लीट कर लिया गया। क्या कहेंगे कि कितना नजदीक पहुंच रहे हैं हम टीकाकरण के? जोरों पर है और मैं प्रधानमंत्री जी का और अपने मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने पूरा जोर पूरे प्रशासनिक अमला को लगा रखा है और लोगों में काफी उत्साह है टीकाकरण को लेकर के। और टीकाकरण के लेकर के जो ड्राई रन हो रहा है उससे हमारा जो पैरा मेडिकल स्टाफ है वो ट्यून्ड हो जा रहे हैं कि वैक्सीन को कैसे लगाना है और किसी की अनप्रोवर्ड इफेक्ट आता है, कोई साइड इफेक्ट आता है, उससे हम कैसे डील करेंगे, हमारे पास क्या सिस्टम होगा, उस सब की पूरी अच्छे से तैयारी हो रही है। और इसके लिए मैं अपने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहूंगा कि इतने बड़े पे हो रही है। सर, इस टीकाकरण को लेकर के एक बात और कही जा रही है कि किस तरह छोटे बच्चों और जो बड़े आयु वर्ग के लोग हैं उसमें हम टीकाकरण को अलग अलग करेंगे, क्या कुछ अलग प्रोसेस है, कुछ अलग है? टीका आया है, इसका ट्रायल अभी तक 18 साल से ऊपर के लोगों में हुआ है, तो इसलिए अभी यह टीका बच्चों को नहीं दिया जाएगा। यह टीका अभी तक केवल 18 साल से बड़े लोगों पर ही ट्रायल किया गया है, इसीलिए यह एडल्ट के लिए ही रिकमेंडेड है और उन्हीं को दिया जाएगा। इसलिए अभी बच्चों को देने कर लेकर के इसकी तैयारी नहीं है। हाँ, सेकेंड फेज में जरूर बच्चों के लिए टीका उपलब्ध हो सकेगा, लेकिन अभी यह टीका 18 साल और उसके ऊपर के लोगों के लिए ही है और उन्हीं को दिया जाएगा। हमारे साथ ठीक है जी, हमारे साथ डॉक्टर तुलिका भी जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर तुलिका, बहुत स्वागत आपका हमारे इस चर्चा में। COVID-19 वैक्सीन को लेकर के लगातार खुशखबरी आ रही है, जिस तरह पहले और दूसरा जो ड्राई रन था वो सफलतापूर्वक पूरा किया गया और अब तीसरा भी पूरा किया गया। ये कहा जा रहा है कि जो असली टीकाकरण जिसकी शुरुआत होने वाली है उससे पहले जो ड्राई रन के सारे फेसेस हैं अब हमने सक्सेसफुली उनको कंप्लीट कर लिया है, अब टीकाकरण की बारी आएगी। ये टीकाकरण जब इंसानों को लगाया जाएगा, लोगों के बीच बहुत सारी भ्रांतियां हैं इस चीज को लेकर भी की भ्रांति है कि क्या ये टीका अगर डोज लग गया इंसान को तो उसको दोबारा कभी कोरोना वायरस नहीं हो सकता है, ये जो तरह तरह की भ्रांतियां हैं इन पर क्या कहेंगी? ये एक तरह से लोगों के वरदान है और जब ये वैक्सीन लग जाएगी तो इसकी दो डोजेस होती हैं और दो डोजेस के अंतराल में हमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, चलना चाहिए। हम अभी सेफ नहीं हुए हैं क्योंकि कोई वैक्सीन 100% एफिशिएंट नहीं होती ना आज तक हुई है, तो लापरवाही शायद बड़ी प्रॉब्लम का कारण बन सकती है। और जब इसकी दूसरी डोज लगने के बाद ही हम थोड़े आश्वस्त हो सकते हैं, लेकिन तब भी हम कह रहे हैं कि इस वैक्सीन के बाद भी आपको पूरे सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो करने होंगे क्योंकि कोई वैक्सीन 100% सेफ्टी कहना बड़ा मुश्किल है। अब इतनी एफिशिएंसी होगी, नया वायरस है, नई वैक्सीन लग गई तो हम निश्चिंत होकर रहे। प्लस वैक्सीन से जहां तक अभी तक पता चला है कि बहुत लेकिन अपनी लापरवाही ना करके अपनी जो सेफ्टी कंटिन्यू करते रहे वैक्सीन के बाद भी, अपनी सेफ्टी रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर तुलिका हमें ये बता रही हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिकेत भी जुड़े हुए हैं। अनिकेत, आज राजधानी लखनऊ में भी कोविड की जो वैक्सीन है उसका जो तीसरे चरण का ड्राई रन है, जो तीसरा पूर्वाभ्यास है, उसे पूरा कर लिया गया। किस तरह की सावधानियां इसमें बरती गई, क्या क्या प्रोटोकॉल्स थे उनको फॉलो किया गया? 1500 केंद्र बनाए गए थे जहां पर 3000 बूथ थे, 3000 बूथ में 20,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी। और इस पूरी प्रक्रिया के लिए जो स्वास्थ्य विभाग की जो टीम अलर्ट थी, जो स्वास्थ्य विभाग के जो केंद्र बनाए गए थे वहां पर 3 रूम ऐसे बनाए गए थे जहां पर तीन रूमों में से पहले रूम में जब व्यक्ति जाएगा तो उसका सत्यापन होगा और दूसरे रूम में उसे कोरोना का वैक्सीन का डोज दिया जाएगा, उसके बाद तीसरे रूम में और आधे घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आज 1500 केंद्रों में 3000 बूथों में जिस तरह से आज 20,000 स्वास्थ्य कर्मियों ने आज इस कोरोना के आखिरी और फाइनल ड्राई रन को परीक्षण किया है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है
कि आने वाले 16 तारीख को जिस तरह से कोरोना का पहला डोज लगभग 9 लाख फ्रंट लाइन यानी कि पुलिस कर्मी स्वास्थ्य विभाग के लोगों को जो लगने वाला है उसकी जो रूपरेखा है वो कहीं ना कहीं अब तय हो गई है और ये रास्ता भी क्लियर हो गया है, साफ हो गया है कि अब 16 तारीख को 9 लाख स्वास्थ्य कर्मी जो फ्रंट लाइन के हैं उन्हें इस कोरोना की पहली डोज देने दी जाएगी। हालांकि ये परीक्षण अभी तक जो चला ड्राई रन जो था ऐश्वर्या वो आज संपूर्ण हो चुका है और इसे सफल भी माना जा रहा है। अब 16 तारीख को जिस तरह से कोरोना का जो टीकाकरण है उसकी जो शुरुआत होगी आगे प्रक्रिया बढ़ती जाएंगी और जो आम जनमानस है जो आम जनता जो प्रदेशवासी है जो राजधानी वासी है वो यकीन तौर पर कहीं ना कहीं इस वैश्विक महामारी से जरूर उनको निजात जरूर मिलेगी। बिल्कुल बेहद खुशी की बात है कि हम बिल्कुल बेहद खुशी की बात है कि हम टीकाकरण के इस चरण को सफलतापूर्वक पूरा कर चुके हैं। अब बस हमारी खुशखबरी हमारी जो ये खुशी है पूर्ण तब हो जाए जब ये वैक्सीन पूरी तरीके से सेफ हो। इसी प्रश्न को लेकर के डॉक्टर यादव मैं आपके पास आना चाहती हूँ। वैक्सीन को लेकर के ये कहा जाता है कि इसे सर्टन टेम्परेचर पर रखा जाता है, फाइजर की वैक्सीन इसीलिए भारत की तरफ से उसे ज़्यादा एक तरह से कहेंगे हरी झंडी नहीं दिखाई गई क्योंकि वो -70 बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मांगती थी जितने डीप फ्रीजर्स हमारे पास नहीं है वैक्सीन को प्रिजर्व करने के लिए। ये जो वैक्सीन है इस वैक्सीन के लिए कहा जा रहा है कि कम टेम्परेचर पे भी एक साधारण फ्रिज के टेम्परेचर पर भी इस वैक्सीन को रखा जा सकता है। तो इस वैक्सीन को मेंटेन करने के लिए कितना टेम्परेचर आवश्यक होगा और अगर टेम्परेचर में कहीं भी ऊंच नीच देखने को मिली तो किस तरह के असर इसके सामने आ सकते हैं? भी डिबेट में आया था और फाइजर की वैक्सीन को लेकर के काफी सवाल था और लोगों में काफी जिज्ञासा थी और कुछ लोग बड़े उत्साहित भी थे। उस समय भी मैंने लोगों को ये वार्न किया था, सावधान किया था कि फाइजर की जो वैक्सीन है जहां पर डेवलप की गई है वहां पर टेम्परेचर ही बहुत कम होता है और वह जो है -70 डिग्री पर मेंटेन करने की आवश्यकता बताते थे। चाहे जितना स्ट्रिंजेंट पैरामीटर हम लागू करें हमारे सेटअप में हो नहीं सकता था और इसकी वजह से उस वैक्सीन को हमारे यहाँ नहीं लिया गया। हमारे यहाँ जो वैक्सीन आई है भारत बायोटेक का और सीरम इंस्टीट्यूट जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी डेवलप किया है उसको यहाँ पर गया है, उनका 2 डिग्री से लेकर 8 डिग्री तक रिकमेंडेशन है और उसके लिए जो है अच्छी व्यवस्था की गई है और इस टेम्परेचर ऑलरेडी हम लोग वैक्सीनेशन पहले से कर रहे हैं, चाहे वो हमारे यहाँ डिप्थीरिया का हो, टिटनेस का हो, पर्टुसिस का हो, सबका रिकमेंडेशन यही है कि 2-8 डिग्री पर रखना है। ये उसी टेम्परेचर पर इसका भी रिकमेंडेशन है, इसलिए समस्या नहीं आ रही। बिल्कुल हमारे साथ डॉक्टर तुलिका भी जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर तुलिका, जब भी किसी इंसान को वैक्सीन दी जाएगी ऐसा बोला जा रहा है कि उसे आधे घंटे तक ऑब्जर्व किया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा, उसके बाद भी लगातार उससे फीडबैक लिया जाएगा, उसको देखा जाएगा, उस पर भी एक तरह से कहेंगे नजर बनाई रखी जाएगी। कितना ज्यादा जरूरी है वैक्सीन को लेकर के अपनी ऑब्जर्वेंस जो है उसको बनाए रखना, क्योंकि हर मरीज उसकी बॉडी अलग अलग रिस्पॉन्ड करती है, हर मरीज को अलग अलग तरह की कुछ बीमारियां पहले से भी हो सकती हैं। ऐसे में मरीजों पर जो नजर रखने की बात कही जा रही है वो कितनी जरूरी है और कितने वक्त तक के लिए ये होनी चाहिए? क्योंकि इसी डर की वजह से बहुत सारे लोग वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे हैं। ऐसा है जब कोई भी वैक्सीन होती है तो जो इसके रिपोर्टेड जो केसेस गए हैं बहुत सीवियर साइड इफेक्ट्स नहीं, जैसे हल्का फुल्का हेडेक हो सकता है, थोड़ा बहुत चक्कर आ सकता है, एलर्जी हो सकती है, जो मेरे ख्याल से आमतौर से हमारी कोई भी वैक्सीन इतनी सारी लगती है और इतने वर्षों से लगती आ रही, उन सब में कोई भी हो सकती है। लेकिन इसके लिए क्योंकि नहीं, इसलिए आधे घंटे की कोई इमीडिएट रिएक्शन हो उसको फॉलो अप करने के लिए आधे घंटे फॉलो अप। उसके बाद कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट है जैसे नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट हो या किसी, जैसे अलग अलग वैक्सीन अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है और आपको पता कि ये किस तरीके से किस लॉन्ग टर्म फॉलो अप वहाँ पे जरूरी है। अब इस पे नजर रखना इतने जरूरी है क्योंकि जब हम फर्स्ट सेट ऑफ लोग लगा लेंगे और कोई ऐसा मिलेगा कि हमें ये रिएक्शंस होते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं था, तो उसके बारे में और सजग हो जाएंगे और शुरू से उस चीज के हम लेने में होंगे, इसलिए इसमें नजर रखना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। डॉक्टर यादव आपके पास आऊंगी अपने प्रश्न को लेकर के। अगर उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो बहुत ज्यादा जनसंख्या है यहाँ पर, ऐसे में इस वैक्सीन को आप कहेंगे लोगों द्वारा सही तरीके से इसका इस्तेमाल करना, डॉक्टर्स और मेडिकल टीम द्वारा इसको सही तरीके से लगाना कितना जरूरी है, क्योंकि छोटी सी भी लापरवाही बड़ी जनसंख्या पर भारी पड़ सकती है।
चिंता हमारी सरकार को है, इसी वजह से इतने दिनों से ड्राई रन चल रहा है। पैरामेडिकल स्टाफ को, डॉक्टर्स को, सभी को सैनिटाइज किया जा रहा है। जो रिकमेंडेशन भी तुलिका मैम ने बताया है कि कोई भी वैक्सीन, यही नहीं लेकिन ये नॉर्मल रिकमेंडेशन है कि कोई भी वैक्सीन लगने के बाद आधे घंटे तक उस आदमी को, उस व्यक्ति को, वैक्सीनिस्ट को वहां से नहीं जाना चाहिए, वहीं पर रुकना चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी इमीडिएट साइड इफेक्ट होना होता है वो आधे घंटे में ही हो जाता है, क्योंकि ज्यादा सीरियस होता है। बाद में जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं उसको सीरियस नहीं होते, लेकिन तुरंत होना है उसको संभालने के लिए व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वह टीका लगवाए और आधे घंटे तक उसी सिस्टम पर, वहीं पर जहां टीका लगवाए वहीं पर रुके और इमीडिएट जो भी रिएक्शन होने हैं उनको डील करने की तैयारी की जा रही है। और लगातार उनको ड्राई रन में उनको ट्रेंड किया जा रहा है कि अगर कोई भी रिएक्शन होता है तो हम कैसे निपटेंगे। इसलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारी सरकार हमारे स्वास्थ्य की ज्यादा तैयारी हो रही है। हमें पूरी उम्मीद है कि अभियान सफल होगा और हम कोरोना को जीतने पर भी सफल रहेंगे। बिल्कुल, ये सकारात्मक आपकी तरफ से संदेश कि हम जरूर इस कोविड 19 महामारी को मात देंगे और डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये टीकाकरण सुरक्षित ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर टीआर यादव हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर तुलिका आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिकेत आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ दर्शकों फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, इजाजत दीजिए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए के न्यूज के साथ बने रहिए।